दोस्तों, चंडीगढ़ का आज अपन एनालिसिस करेंगे, यानी कि दिल्ली का एनालिसिस करेंगे। आज आपके जो डेटा है वो ट्विटर हो या तमाम जो वेबसाइट है इसके वहाँ पे आ गए हैं कि कितना फिजिकल में पास हुए हैं, कितना फेल हुए हैं, कितना प्रेजेंट हुए हैं, तमाम। जैसे जिस तरीके से मैंने कल आपको जो है वो सिकंदराबाद का आपको डेटा बताया था कि इतना अगर नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पैनल में आपका नाम आ जाएगा, तो उसी तरीके से आज अपन चंडीगढ़ और रोज़ाना एक प्रकार का सीरीज हो जाएगा। 17 जोन जो है, तमाम जो जोन है सभी का एनालिसिस करेंगे, तो पेशेंस रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का जो एनालिसिस है वो मैं आपको डिटेल में देता हूँ, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो, अगर हम बात करें कि जो फिजिकल का कट ऑफ गया था, यहाँ पे देखिएगा जो 70 गया था, 70.98, यानी कि 71 काफ़ी नंबर गया था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि एससी का, तो एससी का 60 गया है। और अगर हम बात करें का जो आपका एसटी का, तो 50 पॉइंट जो है वो 18 गया है। ओबीसी का 64.77 गया है। ईडब्ल्यूएस का 57.75 गया है। तो ये जो आपके, जो आप कह सकते हैं कि फिजिकल में कट ऑफ गए हैं, तो क्या इसमें कितना नंबर बढ़ेगा? क्योंकि सभी का यही कट ऑफ पे दिमाग रहता है कि हमने फिजिकल तो कर लिया, अब कितना नंबर अगर हमारा है तो सेफ है, यानी कि फर्स्ट पैनल में नाम आ जाएगा। उसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तमाम जो आंकड़ा है वो मैंने एक पेज पे, जिस तरीके से हमेशा मैं करता हूँ, एक पेज पे रख लिया हूँ, और बस आपको यहाँ पे एक एक जो डेटा है वो समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें है वो आपको, जो ट्विटर इसके हैंडल है वहाँ पे भी इसका अपडेट आया हुआ था सुबह में ही, 16 घंटा पहले देखिएगा इसका अपडेट आया हुआ था कि इस तरीके से कितने लोग जो है अंबाला में इसका हुआ था, और लखनऊ के जो ग्राउंड है वहाँ पे इसका फिजिकल हुआ था। उसमें बैच वगैरह भी दिया गया था कि इस बैच में कितना लोग दौड़ रहे हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं। चलिए अब फोकस कर लेते हैं हम अपने जो मेन मुद्दा है कि इसका एनालिसिस पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो बच्चे बुलाए गए थे वो कितने बुलाए गए थे, 35,070 बच्चे बुलाए गए थे। फिजिकल का जो डेट था वो 19 से 24 जनवरी था, ठीक है। अब ये जो फिजिकल हुआ अंबाला और लखनऊ के ग्राउंड पे हुआ, 19 से 24 तक जो बच्चे गए उसमें क्वालिफाई कितने हुए, 22,196 बच्चे क्वालिफाई हुए। नॉट क्वालिफाई कितने हुए, 7,689 जो बच्चे हैं वो नॉट क्वालिफाई हुए। यानी कि दोनों को मिला के अपियर की हम बात करें, तो अपियर यानी कि वहाँ पे अपियर कितने हुए जिन्होंने अटेंडेंस दिया इन दरमियान, वो रहे 29,885। अगर हम परसेंटेज से इसको कैलकुलेट करें तो 63.2 जो है वो क्वालिफाई किए कितना में, इतना में, ठीक है, नॉट अपियरिंग में। यानी कि इतना जो बच्चे बुलाए गए थे उसमें 63.2%, वही मैं कह रहा हूँ कि 60% ही जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई होते हैं। और यहाँ पे नॉट क्वालिफाई की बात करें तो 22% रहे, 21 पॉइंट समथिंग थे, लेकिन उसको राउंड फिगर में कर दिया तो 22% हो गए। अब यहाँ पे अपियरिंग की बात करें तो इन दोनों को मिला देते हैं तो 65-85 के अराउंड हो जाता है, और 15% जो बच्चे रहे वो अबसेंट रहे। कहने का मतलब ये है कि वो देने ही नहीं गए इस पेट को। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, वैकेंसी आपके कितने हैं, 13,153। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि 13,153 में ही सीसी और आपके एक सर्विसमैन आता है, ठीक है। तो नहीं, ये 13,153 जो है वो आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ये जो कैटेगरी वाइज जिसके लिए फिजिकल होना है उसका है, और आपके सीसी और एक्स के लिए वैकेंसी कितना है, 5,260, यानी कि 5,260 वैकेंसी अलग रखे गए हैं किसके लिए, एक सर्विसमैन और सीसी। तो यानी कि आपके लिए जो फाइट करने वाले स्टूडेंट हैं, फिजिकल जो दौड़ के गए हैं, उनके लिए कितना वैकेंसी हो जाएगा, ये तो उनके लिए पहले से है ही, इसमें से भी 44% वैकेंसी उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सीसी वाले हैं या एक सर्विसमैन वाले हैं वो अपने जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि वैकेंसियां इसमें जाके जुड़ जाएगी। तो अब टोटल वैकेंसी इनका कितना हो जाएगा, 15,400
68 टोटल वैकेंसी हो जाएगा। यानी कि अब फाइट कितना पे चलना है, यानी कि जो फिजिकल पास किए हैं वो फाइट करेंगे 15,468 पे। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि पास कितने बच्चे हुए, यहाँ पे देखिएगा 22,196 बच्चे पास हुए, लेकिन यहाँ पे सीट कितनी है आपके लिए 15,468। तो कहने का मतलब ये है, ये टू इक्वेशन मैंने दे दिया और ये फर्स्ट इक्वेशन, टू माइनस फर्स्ट करेंगे तो 6,728 जो है उनका फर्स्ट पैनल में नाम नहीं आएगा। ये कहने का मतलब है कि यानी कि फर्स्ट पैनल जो है उसमें से छट जाएंगे। अब देखिए ये छट जाएंगे तो अब इनका कब कॉल आएगा, तो इनमें से 1,000 बच्चे का 1 महीने के बाद कॉल आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 15,468 बच्चे को जो बुलाया जाएगा उसमें से 10% जो है वो लगभग नहीं जाएंगे, ठीक है, या किसी बैकग्राउंड की वजह से फेल कर दिए जाएंगे, यानी कि 10% ओवरऑल हो ही जाता है। तो अब जो है मतलब कि फेल इन द सेंस कि एज ही नहीं पूरा है, फॉर्म भर दिए, ठीक है, अब वो जनरल में है और ओबीसी वहाँ पे टिक कर दिए हैं और ओबीसी से उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वैसे लोग जाएंगे भी तब भी फेल हैं, नहीं जाएंगे तो ओबीएस है फेल हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके के जो कंडीशन कभी कभी रेयर में हो जाता है, तो उसके बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि 10% जो टोटल है वो निकल जाते हैं। ज़्यादातर एबसेंट ही होते हैं, 9% 8% के अराउंड में एबसेंट ही होते हैं, 9 क्या लगभग 9.5% आप मान के चलो कि अबसेंट ही रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है। तो इसमें से 1,000 फिर से इसमें चले जाएंगे, तो अब बचे 5,700। तो उसी तरीके से पैनल जारी होता रहेगा और लास्ट में 4 से 5 साल तक में लगभग सबका क्लियर हो जाता है। अब कट ऑफ पे आते हैं, देखिएगा कट ऑफ हालांकि पिछले वीडियो में किसी और का लिख दिया था तो अब सुधार लिए हैं। यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पेट के लिए गया था, इसका जो कट ऑफ है वो 70.98, ओबीसी का 64.77, ईडब्ल्यूएस का 57.75 और एससी का 60, एसटी का 50.18 गया था, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसका जो है वो फिजिकल हो चुका है तो इसमें कितना जा सकता है, और एक्स्ट्रा यानी कि 74 में इसका मेरिट बन जाएगा, 68 ओबीसी के लिए लाना है, 68 तो लाना ही पड़ेगा, 68 नहीं तो 67 इतना ही के आसपास रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 60 और आपके एससी में 63 और एसटी में 52, इतना मार्क्स लाते हैं तो आपका 100% मेरिट में नाम आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका मेरिट में फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया उनको जॉब नहीं मिलेगी, जैसा मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि जॉब मिलेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि पैनल में थोड़ा सा देरी तो लगेगा, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट की आवश्यकता है, काफ़ी मेहनत करता हूँ इस तरीके कैसे देखिएगा कि कितना लिखना वगैरह सोचना वगैरह पड़ता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो गाली भी पड़ता है, क्योंकि अभी मिस्टेक हो गया था तो कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर हो ही जाता है, ह्यूमन है, इतना वीडियो बनाते हैं तो मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।